हरे ऐसन मनोहर मंगल। ए पुम्बा, डंडा पूरा है? हाँ, जैसा आपने बोला था, 20 साल पुराना बांस का पूरा 100 एकड़ ची है। ठीक है, साइड में रख दे। हाँ तो लड़का वाला कौन है और लड़की वाला कौन है, दोनों के साथ उनके गार्जियन को भी खड़ा कराया जाए। तू मेरा लौड़ा गुटका भी धरती, पहले ये बता, छपरी वाला ड्रेस छोड़कर कुर्ता पजामा में तू कौन है? ये तूने बड़ी अच्छी बात पूछी। मेरा बाबा का नाम प्रेम लाल उर्फ सरपंच। जब यहाँ के 16 गांव में किसी के यहाँ लड़ाई होता था तो मेरे बाबा के जूजी में तेल लगाने आते थे लोग। और मेरा बाबू का नाम ठगन उर्फ सरपंच। अगल बगल के जितने भी गांव में भोज होता था तो मेरे बाबू से पंचायती करवाने आते थे, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। और मेरा नाम रमेश सहनी सरपंच, बड़ा फेमस नाम है, पूछ लीजिएगा अगल बगल में। तेरा माई जवानी में भाग गई तो हम ही पंचायती करवा के मेंटे शांत करवाए थे, तब जाके तू पता लिया है। अब से कोई भी व्यक्ति को मेरे सरपंच होने पर उंगली उठाएगा तो यही भरी सभा में गांड खोल के इतने डंडा मारेंगे, 3-4 महीना गूं के जगह खून निकलेगा। लड़का के बाप कौन है? हम। तो गांड दबाए क्यों बैठे हैं? खड़ा कराइए अपन लौड़ा को, टुकड़ा को। और आप लड़की का बाप है? हाँ। लड़की कहाँ है? यहाँ नहीं है, नानी के घर है। तो हम पूछताछ किससे करेंगे? मोबाइल से बात करा देंगे। ठीक है, जैसे हमें कहा गया था, तू लड़की को जबरदस्ती लेकर भाग गया था या दोनों अपनी मर्जी से भागे थे, सच सच बताना। अगर तू गलती साबित हो गया तो पूरा 101 डंडे तुम्हारा गाल पर तोड़ देंगे। आपका कहने का मतलब सारा गलती मेरा बेटा का है? उसका बेटी दूध पीती है, जब लड़की राजी नहीं थी तो कैसे लेकर भाग जाएगा? आप भागे थे लेकर, आपका बेटा? हम बाहर के लिए भागेंगे लेकर, यही बहन से छोरी मोगी के चक्कर में रहता है, बस हम यही सुने थे कि स्टेशन पर पकड़ा गया है। तो आप अपना गान मत फाड़िए, हम पूछ रहे हैं ना। अरे तू उस लड़की से प्यार करता है? हाँ, तो लेकर कैसे भाग गए? तू शादी करेगा उससे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, मोच के पंप बार न जन्मा है, शादी करेगा। एक बात लड़की के बाप से पूछ लेते हैं। मेरा बाहर से पूछ लेते हैं, मारेंगे बहन से, पेंटे में हक देगा। क्या पढ़ा लगा, खिला दिया कहीं नहीं इसको, जो शादी करेगा। काली नागिन किसे बोले? तुम्हारा बेटा दूध का धुला है, काला सांड का गांड है और तू उसका आड़ है। छोरा छोर के मैटर तो बाद ही फड़ जाएंगे, पहले तुमको काला सांड के हाथ डाल के मुंह में ही लाएंगे। तो आना रे, हम भी तुमसे कम है। सरपंच बाबू, 101 डंडा अपना गांड में डालने के लिए मंगवाए, मारिए साला सबके खाली औजार पर। अरे रुक जाओ तुम दोनों, नहीं तो इसे मां मारेंगे, दोनों का औजार फुला देंगे। अपना बेटे का शादी कीजिएगा इससे? शादी लौड़ा, यहाँ फड़िया तो फड़िया, नहीं तो रेप केस करेंगे उस पे। जब रेप केस करना था तो हम बार उखाड़ने आए हैं, ऐसे नहीं फड़िया आएगा। एक बार दोनों से कन्फर्म हो लेते हैं। गांव वाला, आप लोग का क्या विचार है? हम लोग का क्या विचार रहेगा, रोज अपना गेहूं मक्का तोड़वाते रहे, दोनों का शादी करवाई, नहीं तो दोनों के गांव से भोज भात खाना पानी सब बंद करवा देंगे। ठीक है, एक काला सांड के गार, उसके साथ संबंध कितना बार बनाया है? उतना याद नहीं, रात भर तो उसी के यहाँ चोरा के सोते थे, 3-4 महीने से। मानेंगे नहीं बुढ़ चौधरी के, मुंह फुला देंगे, मेरी पड़ी ऐसी वैसी लगती है। ऐसा वैसा बात नहीं कीजिए, सच्ची मोहब्बत है हमारी, उसके लिए जान भी दे देंगे। जान देने की औकात तो है नहीं, लेकिन गाल मार के मार देंगे तुझे। अगर आप लड़की के बाप नहीं होते तो पूरा गांव वाले के सामने उठा के फेंक देते चोदने वाला। देख रहे हैं सरपंच साहब, देख रहे हैं सर, होने वाला ससुर से बात करेगा। सरपंच बाबू, फैटी चलाना था तो डंडा किस लिए मंगवा है? पता है इसको लाने के चक्कर में कितना घोरन से कान में चीटी कटवा है। अरे एक बार इसे दोषी साबित होने दे, पूरे डंडे से गाना पर तोड़ देंगे। अपना बेटी को फोन लगाइए। हाँ लगाइए। अरे सोच क्या रहे हैं, लगाइए। फोन बंद कर लिए। आज सुबह हमको बोला थी, लड़का हमको जबरदस्ती फंसाने का कोशिश कर रहा है। आप लोग जानती हैं औरत का कितना छोटा दिल होता है, कहीं ऐसा नहीं जोर मार खा के मर जाए रे भाई।
इस हिसाब से सारा गलती लड़का का। ये लड़की को नशा की दवाई खिलाकर भगा के ले जा रहा था तो लड़की वाले ने इसे पकड़ लिया। ना, ये झूठ है। चुप साला। 2.5 लाख रुपए जुर्माना और 101 कर्ची गाना पर तोड़ने का फैसला सुना दे। किसी कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मेरा झांस सही है, अभी हम फोन लगाते हैं। तू फोन क्यों लगाएगा? उसका फोन बंद है। उसका फोन बंद होगा तो उसे यहाँ बुलाया जाएगा। हेलो, कौन? बाबू मैं। क्या हुआ बाबू, आज बंटेटी होने वाला था? मेरा पापा जबरदस्ती घर में बंद करके रखे। थोड़ा देर पहले तुम्हारा फोन बंद आ रहा था जब तुम्हारे पापा कॉल किए तो। अरे उनके पास सिम कहाँ है? अलमारी में से खराब मोबाइल निकाल कर हम ही सुबह में दिए थे उनका। अच्छा तू काम की बात पूछ। बाबू फोन स्पीकर पर है, सभी सुन रहे हैं। तुम सिर्फ इतना बता दो, अपनी मर्जी से भागी हो या फिर हमारी मर्जी से? इसे पूछने वाली बात क्या है, मैं अपनी मर्जी से भागी थी। बहुत बढ़िया, सुने आप लोग, बस एक बात और, शादी करोगी हमसे? शादी? मारेंगे ना चप्पल से मुंह रंग देंगे। तुम्हारे पास जब तक पैसा था तुम्हारे साथ थी, खत्म हुआ तो पापा को बोल के वापस आ गए। शादी करेगा, मुंह देखा है अपना? दोबारा फोन मत करना सुवर का बच्चा। छोड़ दीजिए डंडा, क्या मारिएगा बेचारा। तो सुना आप लोग, इस हिसाब से लड़की का कोई गलती नहीं है, सारा गलती लड़का का है। 2.5 लाख जुर्माना दीजिए, नहीं तो अपर रेप केस होगा। आप लोग अपने ही विचार कीजिए जब तक हम मुद के आते हैं। ना गलती तो दोनों को होता है, ऐसे एक नहीं होता है। लड़का और लड़की दोनों को होता है गलती। दोनों गलती करते हैं। सही बात।